गाइज राम झूला की मार्केट पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं हम। जब तक पहुंचे मार्केट बंद हो रही है, लोग बाग दुकान बढ़ा रहे हैं। और ये देखो भैया आए कर रहे हैं फालतू में, है भाई कुछ करा भी नहीं है। अभी लोग बाग दुकानें बढ़ा रहे हैं और हम ऐसे टाइम पे पहुंचे, हमारी किस्मत ही ख़राब है। चलो छोटी मोटी मार्केट तो खुली हुई है, ये बच्चे शॉपिंग कर लेंगे, अपने इयररिंग्स वगैरह ले लेंगे 10-20 रुपए के। गाइस आप बताना कौन सा चोटी वाला बढ़िया लग रहा है। ये देख लो थोड़ा अंकल जी स्माइल, ये एक असली है या वो मतलब अच्छा, ये भी बता सकते अच्छा कौन है। भैया जी स्माइल कमेंट करके बताना गाइस। चुप चुप तुम ऐसे रहना है। नहीं, नहीं। तो गाइस बाय टू रूम, अभी हम चल रहे हैं बीटल्स कैफे, ये पीछे व्यू है और ये अपना स्विमिंग पूल। गाइस अभी हम कैफे जा रहे हैं और कैफे का रास्ता कुछ ऐसा है, ये पंडित जी बैठे, पंडित जी नमस्कार। और इन गलियों में आप बता नहीं सकते इतना सुंदर कैफे आपको दिखाएंगे, कितना अच्छा कैफे है। ओह माय गॉड, अगर भैया कैफे अच्छा नहीं हुआ फिर क्या करें हम, बताओ। सात लोग हैं बोलो, 12 बजे के बाद यहाँ रुकने का वैसे हमारा मन नहीं था, खाली हम एक एसी की हवा खाने के लिए रुके और इनको कुछ भी मिला। गाइस अभी देखो यहाँ पर ना अभी इनका एक सच बताता हूँ, देखो इन्होंने केक लिया है ठीक है, एक बंदा पेस्ट्री ले रहे थे सारे, तो 160 रुपये की पेस्ट्री थी, कम से कम 1100 रुपये बैठ रहे थे। अभी ऐसे इन्होंने एक केक ले लिया 600 रुपये का, और ये पैसे लगाने के चक्कर में कि सारे पेस्ट्री लेंगे हम केक खा लेंगे, ऐसे कंजूस लोग आए हैं। मेरे साथ जो रहेगा वो मौज ही लेगा। गाइस अभी सारे जा चुके हैं तो उनका कार्ड मेरे हाथ में है, अभी उनको बोला मैं बिल करके आ रहा हूँ तुम चलो। और हमने एक चीज़ और ले ली, रसमलाई। ये गाइस कितनी अच्छी है। ओए तेरी रसमलाई नहीं है, रस रस बस। तेरा क्या बोला तूने? गाइस शायद इनको पता लग चुका है कि हम क्या खा, कुछ और भी खाते हैं। ये देखो इनकी भी शॉपिंग हो चुकी है लड़कियों की। अपना तो क्या है, अपने तो कहीं भी जाओ माला ले सकते हैं बस, हम तो हमारा कोई पहनने का मिलता नहीं है लड़कों का, लड़के ऐसे ही हैं। गाइस खाना खा लिया है सबने, अभी हम निकल रहे हैं धनोल्टी के लिए। और गर्मी भी बहुत है गाइस, यहाँ उमस बहुत है, हो सके तो दिन में कोई बाहर मत निकलना अगर इस टाइम यहाँ पे आया हुआ है तो। इसी केस में ऊपर धनोल्टी में 16 से 17 डिग्री टेम्परेचर है रात का, जब ही हम वहाँ जा रहे हैं। आखिरकार धनोल्टी पहुंच चुके हैं, बहुत टाइम लगा और रास्ता बहुत ही मतलब वैसा है यहाँ का, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है चलाने में, सिंगल लेन रास्ता है। चलो पहुंच गए, इनकी जैकेटें निकल चुकी हैं। ये गलियाँ हैं धनोल्टी की, देखो मौसम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलो तुम क्या मंगा रहे हो? मेरा एक कढ़ाई चिकन है और कढ़ाई पनीर, बाकी और बाकी इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, बाकी ऋषभ गाइस आज हमारा डे 3 है और हम धनोल्टी में हैं। आइए सुबह की मॉर्निंग, आज शायद ट्यूसडे है तो अभी हमने चाय तो पी लिया, समीक्षा ने दवाई भी ले ली, इनको फीवर है और एक पराठा खाया, अच्छा था खाना, चाय भी अच्छी बनाई थी। और ये यहाँ का व्यू है देखो,
जून के महीने में भी यहाँ इतनी ठंड हो सकती है, मुझे विश्वास नहीं था। धनोल्टी में एक पार्क में आए हैं और यहाँ झूले वगैरह बहुत है, बच्चों वगैरह के लिए बहुत अच्छा पार्क है, अपनी वीडियोस भी बन सकती हैं। और इसकी 100 रुपये की एक टिकट है, तो मतलब 700 रुपये हमने वीडियो और फोटो के लिए दिए खाली। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, 50 मैं बैठा हूँ यहाँ का व्यू देखोगे ना आप, क्या होगा, वाह क्या आर पार है, पेड़ ही पेड़। जो तुमने फोन घुमाया वो सही में, ये देखो कैसे लग रहे हैं पीछे बैठे। देख सकते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपनी सीट पे बैठ के सही में। ओके गाइस, देखो बच्चे मौज लेते हुए, वाह भाई वाह लड़कों, सुकंडा माता देख रही है मुड़ मुड़ के, ये देखो मुड़ मुड़ के बाद देख पगली, शायद लड़की फिदा हो गई है, ऋषभ बदमाश है कुड़ी। देखो तुम स्कूटी मत देखो, तुम्हें व्यू देखने के लिए बोला है। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, ये नहीं गाइस, ये बहुत वैसी बीमारी है, ये वैसी बीमारी है, पीछे बैठते मुझे चक्कर आ जाते हैं अगर मैं ड्राइविंग नहीं करूँ तो। अभी बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, घूम रहा है सिर, उल्टी का मन हो रहा है, उल्टी करूँगा तो मैं इनके ऊपर ही करूँगा। किल्की देखो दृष्टि, गाइस ये तो किल्की के साथ बात कर रहे हैं, गाइस आवाज ही नहीं निकली किल्की के साथ, ये अपना नाक भी खाली कर देती है गाइस। एक दिन शोले की सब्जी खा रही थी, शोले की सब्जी देखो भाई, शोले की सब्जी गाइस, अभी रास्ता बोल चुके हैं अगले अगले, जिसका एड्रेस पूछेंगे इनसे, ये सोचेंगे हम मारने आए हैं। डर तो नहीं गया वो गाइस, वो उत्तराखंड का हो गया, क्लब महिंद्रा आ गया क्या, आगे क्लब महिंद्रा आ गया, वो देखो वो वहीं से घुमा